नमस्ते व्यूअर्स, मैं सीमा प्रिया और सीमा प्रिया रियल व्लॉग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सुबह 10 बजे का टाइम है और मैं थोड़ा सा ये जो बेसिन का एरिया है वो थोड़ा नीले रंग का जो हारपिक होती है वही से ही हम शुरुआत करते हैं मेरा वॉशिंग व्लॉग। और कुछ आज का व्लॉग इस तरह का है, जो बेसिन एरिया है वो मैं किस तरह से डिश स्टाइल से मैं साफ़ सफाई करती हूँ, और मेरा जो एक पेट है उसको मैं आज नहलाऊँगी। नहला का टाइम है तो नहलाने के बाद उसको कैसे मैं सुखाती हूँ, बस ये सब मिलजुल कर आज का व्लॉग बनाया हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ मेरे साथ रहेंगे, आप जुड़े रहेंगे पूरा वीडियो के साथ, आप बने रहेंगे। तो देसी स्टाइल से, इंडियन देसी स्टाइल से हमेशा ऐसे ही गांव में बेसिन एरिया साफ सफाई करते हैं हम। लेकिन जानती हूँ विदेश में बहुत सारी प्रोडक्ट है, बहुत सारी सिस्टम है, बहुत सारी गैजेट है साफ सफाई करने के लिए, लेकिन देसी स्टाइल से बस ये एक कपड़ा का टुकड़ा चाहिए और एक ब्रश और ये नीले रंग का हारपिक, बस यही से ही हम काम चला लेते हैं। और हाइजीनिक भी होती है, ऐसे नहीं जे ऐसे कम सामान इस्तेमाल करती हूँ, कम थोड़ा सा जो हाइजीनिक का प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल करती हूँ तो इस तरह का एरिया नॉन हाइजीनिक है, ऐसा कुछ नहीं। तो हमारे घर में बच्चे हैं, बूढ़े लोग भी हैं, क्योंकि मेरे सासू माँ बुज़ुर्ग हैं, 60 उम्र के आसपास है और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो मेरे मन में, मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल हमेशा ही रहते हैं कि पूरा घर हाइजीनिक होना चाहिए, तो चला लेती हूँ। ठीक है, तो चलिए, साफ़ सफाई तो हो चुका है, ये देखिए एकदम सफ़ेद ही सफ़ेद बस हो गया। और मेरा घर उस तरह का कुछ स्टाइल से बनाया नहीं हुआ है, बस सीमेंट बाली से जो बनता है। और मेरी छोटी बेटी आज छुट्टी है स्कूल में, तो इंडियन छुट्टी ऐसे ही होती है, जब भी छुट्टी मिलते हैं बच्चे लोग लेटे पड़े रहते हैं और माँ को जो राइट टाइम है ना, जो राइट टाइम कभी नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा 2-3 घंटा आगे चल कर उसको बोलना चाहिए। जैसे 10 बजे है उसको बोलना चाहिए ये दोपहर 1 बज चुके हैं, ऐसे ही हम जो इंडियन माँ है ना, औरत है, माँ है, वो ऐसे ही डे लाइट सेविंग्स करते हैं। अमेरिका में मार्च महीने में जो जो सेकेंड संडे होती है, तो अमेरिका में मार्च महीने में सेकेंड संडे में डे लाइट सेविंग्स होती है, मतलब 1 घंटा घड़ी के कटा जो होते हैं ना कटा, तो उसको आगे बढ़ा रखते हैं उस देशवासी। जैसे सुबह 9, तो सुबह 9 नहीं, सुबह 10 ऐसे ही घड़ी का जो काटा है, क्लॉक का जो है वो थोड़ा सा 1 घंटा आगे बढ़ा रखते हैं, ऐसे ही वो लोग डे लाइट सेविंग्स करते हैं मार्च महीना में। तो हमारे इंडियन लोग ऐसे डे लाइट सेविंग्स नहीं करते हैं, जब बच्चे लोग लेटे पड़े रहते हैं, छुट्टी है तो माँ बार बार बुलाते हैं, उठो उठो, सुबह 8 बज गए हैं, आज छुट्टी है तो क्या हुआ, उठो। लेकिन नहीं, अगर उसके कान में घुसेंगे तो रात सुबह 8 बजे है तो वो उठेगा नहीं, सुबह 7 बजे है वो उठेगा नहीं, सुबह 9 बजे है वो भी नहीं उठेगा। लेकिन आपको बोलना चाहिए दोपहर 12 बज चुके हैं, 2 बजे, दोपहर 12:30 बज चुके हैं, तब भी वो एकदम क्या बोलते हैं, वो एकदम धीर पिरा कर उठ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही इंडियन माँ तब अपने बच्चों के साथ
डे लाइट सेविंग्स करते हैं। हाँ, थोड़ा सा मजाक से लीजिए। तो ये देखिए, ये हमारा पेट है, इसका नाम मिकी है। तो आज उसका नहलाने का दिन है और वो एक शैम्पू से नहलाते हैं। किसी और दिन दिखाऊंगी, आज तो उसको वीडियो क्लिप उठाना मैं भूल ही गई। उसका शैम्पू का ब्रांड का नाम क्या है वो मैं दिखाना भूल गई। तो ऐसे ही उसको नहलाती हूँ, एकदम देखिए शांत बच्चों जैसे मेरे गोद में लेटे हैं। वो शांति है, थोड़ा सा मुझे डरते हैं, मुझे बहुत डरते हैं वो। देखिए पास में जो है ना एक बटल, वो वाला शैम्पू, ये देखिए हमारे पाँव के करीब जो बटल एक पड़े रहते हैं, वो वाला बटल शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ। तो ये मिकी मेरा शांति है, थोड़ा सा मुझे डरते हैं, लेकिन घर के किसी सदस्य को वो डरता नहीं है, उसको डराते हैं। तो ऐसे ही वो नहलाते हैं और नहलाने के बाद मैं छत में धूप में उसको खेलने के लिए छोड़ देती हूँ, थोड़ा सूखने के लिए भी।